एक लेख एक व्यंग मैंने लिखा था सोशल मीडिया के ऊपर। मेरी एक मुलाकात एक सज्जन से हो गई और ऐसे कई सारे सज्जनों से मेरी मुलाकात हुई, तो एक दिन ये कलम से ये निकला कि सुबह घर से निकला ही था कि एक सज्जन से मुलाकात हो गई। वो मिलते ही वो मुझ पर चढ़ गए कि आज देश को क्रांति की जरूरत है, देश में आंदोलन चल रहा है बदलाव के लिए और आप एक्टिव नहीं है, चुप है। नहीं चुप क्यों नहीं होंगे, पेट जो भरा है आपका, बड़ी गाड़ियों में घूमते, लांच है आपके बड़े फोन पर जिसे लेके आप घूमते रहते हैं, एसी से निकलकर एसी में बैठने वालों ने इस देश की ऐसी तैसी कर रखी है। मैंने कहा भाई साहब हुआ क्या? बोले चुप रहिए आप, देश की जमीनी हकीकत के बारे में पता भी आपको? किसान मर रहा है, महंगाई बढ़ गई, दिनदहाड़े रेप हो जाते हैं, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, सड़क, बिजली, पानी, इंडिया गेट से लेकर कोल गेट तक और विज्ञापन से लेकर व्यापन तक कितनी समस्याएं आएंगे ना आपको। सांसें खत्म हो जाएंगी पर समस्याएं खत्म नहीं होंगी, पर आपको क्यों? आप तो बस अपना ये स्मार्टफोन लेकर घूमते रहो, लानत है आपके इस फोन पर। एक तरफ हम लोग हैं जो प्राणपण से बदलाव के लिए जुटे हुए हैं, हम अपने परिवारों से कट गए, बीवी बच्चों की तरफ देखते भी नहीं है, पर हमें इसकी परवाह नहीं है। हमारे कारण ही आप मंगल पे पहुंच गए और वहां पे पानी भी मिल गया। आप जैसों के भरोसे रहते तो घर में भी पानी ना मिलता। नहीं आपने कभी सोचा है, आपने कभी सोचा है कि आपके इस मंगल के चक्कर में हमारी जिंदगी मंगल हो गई? पर आप क्यों सोचने लगे? आप तो बस अपना ये बड़ा सा फोन लेके घूमिए, बैठे ठाले बदलाव नहीं आता। बदलाव के लिए कुछ करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती, परिवार की समय देना पड़ता है, पर आप तो एक्टिव होने से रहे, मजे से अपने इस बड़े फोन को लेकर घूमिए। मैं शर्मिंदगी से गड़ गया और लगभग फुसफुसाते हुए कहा कि भाई साहब आप जिस बदलाव की बात कर रहे हैं वो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सब पहले जैसा ही तो है। वे भड़क गए, बोले दिखाई कहां से देगा यार, एक्टिव ही नहीं हो सोशल मीडिया पे, नहीं घर में घुसे रहते हो बस, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आकर देखो क्रांति मची पड़ी है, वहां वहां एक से एक देशभक्त मिल जाएंगे आपको, समझे? नहीं हम लोगों ने दिन रात एक करके धर्म से लेकर मर्म तक सब कुछ बदल के रख दिया है सोशल मीडिया पे। अब सिर्फ बराबर टैक्स जमा करके या रेलगाड़ी में टिकट लेके यात्रा करने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता कि लाल बत्ती हुई रुक गए, हरी हुई चल दिए, है कोर्ट कचहरी की दीवार में पान की पीक नहीं थूकेंगे, सड़क पर कचरा नहीं फेंकेंगे, बिजली पानी के बिल की चोरी नहीं करेंगे। नहीं भैया हम तो समय से दफ्तर जाएंगे, जायज काम को तुरंत करेंगे, नाजायज काम को नहीं करेंगे, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करेंगे। जे सब चोचले हैं देशभक्ति नहीं है। तो मैंने कहा कि भैया तो फिर देशभक्ति क्या है? अरे बोले जरा सोशल मीडिया पे आओ यार, लाइक डिसलाइक ठोको, समर्थन विरोध करो, थोड़ा गाली गुप्तार करो, आंदोलन का हिस्सा बनो, अपने राष्ट्र प्रेम का सबूत दो, तब तुम देशभक्त कहलाओगे। बैठे ये जो बदलाव है ना, ये ठेले पे बिकने वाली मूंगफली नहीं है, गाठन नहीं दी और हटा लिया। बदलाव के लिए ऐसी तैसी करनी पड़ती है और करवानी भी पड़ती है, वरना कोई मतलब नहीं है आपके इस स्मार्टफोन का। और भाई साहब हम आपको बाहर निकल के मोर्चा निकालने के लिए नहीं कह रहा है, वहां खतरा है, आप पिट भी सकते हैं। ये काम आप यार घर बैठे कर सकते हो। अभी हम लोगों ने इतनी बड़ी रैली निकाली, इतनी बड़ी रैली निकाली कि तंत्र की नींवें हिल गई, कि लाखों लाख लोग थे और हाई कमान को बयान देना पड़ा। मैंने कहा ये सब कहां हुआ? बोले सोशल मीडिया पे यार। इतनी बड़ी थूथू रैली थी, इतनी बड़ी थूथू रैली थी कि उनको बदलना पड़ा। मैंने कहा लेकिन ये सब बदलाव हवा में है यार, हकीकत तो वही है भाई साहब पहले की जैसी। वे बिफर गए, बोले हकीकत की ऐसी की तैसी, हवा बदलो, हवा हवा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो ये क्यों कहा जाता कि उसकी हवा बंद हो गई, उसकी हवा खिसक गई, उसकी हवा टाइट कर दी, उसकी हवा है, हवा में मत उड़ो, हवा खिलाफ है, हवा निकल गई, हवा बदल गई। बिना रोटी पानी के रह सकते हो? बिना हवा के 3 मिनट रह के बताओ तो जाना है, हवा बंद हो जाए तो सब हकीकत धरी रह जाएगी। बड़े आए हकीकत वाले, हवा बदलो, हवा। नहीं तो पहले भी पिट रहे थे, आगे भी पिटते रहोगे। मैंने कहा भाई साहब सभी देश को बदलने में लग गए तो फिर इसे बनाएगा कौन? कुछ मेरे जैसे बनाने वाले भी तो चाहिए। वे उखाड़ गए, बोले क्या उखाड़ लोगे यार तुम, वो क्या उखाड़ लिया उन लोगों ने जो तुमसे पहले बनाने में लगे थे, हैं? ये बदलाव की हवा है, तुम बनाओगे, बदल देंगे, हमें निर्माण नहीं बदलाव चाहिए। चुपचाप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ, नहीं तो जितने भी ग्रुप में हो रिमूव करवा देंगे, थूथू होगी वो अलग। और उन्होंने मुझे एक भद्दी सी गाली दी कि इंटरनेट का उपयोग न करने वाले कपटी, लानत है तेरे स्मार्टफोन पर डैम फुल, बदलाव का विरोध करने वाले अक्रांतिकारी जल कुकड़े। और वे हवा के एक तेज झोंके की तरह चले गए। मैं किम करता विमूढ़ सा खड़ा सोचता रहा कि देश चलता नहीं मचलता है, देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है। और जंग
मैदान पे नहीं सोशल मीडिया पे जारी है। आज तेरी तो कल मेरी बारी है।